चलिए मेरे दूसरे प्रश्न अगले प्रश्न की वजह से सबसे प्रश्न जो अभी तक तो आप लोग को विवित कर रहा था, अब मुझे विवित जो करता है वो प्रश्न मैं आप लोग को पूछना चाहता हूँ कि जिहाद क्या है। जिहाद इस्लाम ने जो है जिहाद का मीनिंग दिया है कि अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं या फिर जो बुराइयाँ आती हैं, या हम जब समाज के लिए निकले हैं, समाज की जिम्मेदारी जो इस्लाम ने कुरान हदीस की रोशनी में बताया कि समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से अच्छी अच्छी कोशिश करना किसी तरह, उसको जिहाद कहते हैं। पहले जब इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को आम किया, लोगों तक इस्लाम की दावत दी, उस वक्त ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा माहौल था कि बाप से बेटी महफूज नहीं, बेटे से माँ महफूज नहीं, रास्ते में चलते हुए किसी को लूट लिया जा रहा है और किसी का घर महफूज नहीं, बंजारों जैसी ज़िंदगी है। तो ऐसे गलत माहौल में यानी कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं और लूट एकदम आम थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब इस्लाम की तालीमात को लाया गया तो ये हुआ कि भाई जाओ उस इस्लाम की तालीम को, पैगाम तक को लोगों तक पहुंचाओ, उनको इस्लाम की दामन में बुलाओ। अगर वो नहीं मानते हैं, अब मानते कब नहीं थे कि भाई ये लाके थोप रहे हैं हमारा, ये सब चीज़ें हम जो गलत काम करते हैं बंद हो जाएगा, तो वो लड़ने के लिए आमादा हो जाते थे। अच्छा। तब भी इस्लाम ने वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया था कि तुम बार बार उनको इस्लाम की दावत दो। और इस्लाम क्या है? इस्लाम ये बताता कि पड़ोसी के हकूक, माँ बाप के हकूक, औरतों की इज्जत, बच्चियों के साथ शफकत, बड़ों के साथ मोहब्बत, उनकी इज्जत, ताज़ीम और अल्लाह को एक मानना, यानी इबादत, ये सब चीज़ें हैं। कारोबार में गड़बड़ ना करो, बिजनेस में गड़बड़ ना करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी का हक ना मारो, इस्लाम यही है। इस्लाम है ये माने नहीं है कि ना ज़िंदगी से, जो इस्लाम को कहा जाता है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ इस्लाम, कि इस ज़िंदगी हम जो गुजारते हैं, तो ये चीज़ पैगाम थे दूसरों तक पहुँचाना। और जब वो ना माने तो जब लड़ने पर आमादा हो जाए, तैयार हो जाए, तो अब उनके खिलाफ़ जिहाद किस तरह करो कि ये समझा के। तो अगर वो तैयार भी हो रहे तो पहले देखो कि बच्चे हों, बच्चों को ना छुओ, औरतें हैं उनको ना छुओ, जो ज़यीफ़ हैं उनको ना छुओ, और अगर उनमें से भी जो ताकतवर है, जो लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते भी अगर वो अपने आप को कर दे, सरेंडर कर दे रहा है, अपना मान जा रहा है, उसको भी तुम छोड़ दो, उसको जो है ना बासबूस मत करो। उसके बाद जो ज़मीन है, ज़रख़ेज़ इलाके हैं, उसको तबाह मत करो, घर मत बर्बाद करो, किसी के घर में मत दाखिल हो, और जो है किसी की औरतों के साथ गलत निगाह मत उठा करके देखो, ना ही ना किसी के साथ जो है ऐसा काम करो कि जो हमको शर्म महसूस हो। तो यानी हर बुराई, चाहे वो हम दुनियावी अपनी ज़ाती हो, नफ्सियाती हो, ज़ाती तौर पर हो, या हम समाज को सुधारने निकले हों, तो वो सारी बुराइयों को ख़त्म करना और उन चीज़ों को कंट्रोल करना, ये है जिहाद। जिहाद ये नहीं है कि किसी को जाके मार दो, किसी को कत्ल कर दो, या किसी को बर्बाद कर दो, किसी की दौलत को तबाह कर दो। इसके बारे में इसीलिए मैं चुप रहा और मैं सुनना चाहता था आपको कि एक्चुअली जिहाद क्या है, क्योंकि आज के डेट में यही नहीं कि कोई एक हिंदू है या कोई दूसरी कम्युनिटी का, उसको डर लगा जिहाद को। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे मुस्लिम दोस्त लोग हैं बहुत सारे, उनको भी आज के डेट में जिहाद से डर लगता है, क्योंकि एक जिहादी ये नहीं देखता है जब मारने के पहले कि वो हिंदू है या मुसलमान है, तो उस जो मुझे उसको भी डर लगता है। लेकिन जिहाद का, और उसको डर लगता है कि कोई बोलेगा कि भाई ये जिहाद है या कुछ करने काम करने के लिए। तो आपने जिहाद का जो है बहुत ही सही मतलब बताया, इसमें सिर्फ मार काट और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिहाद का एक बड़ा ही बहुत ही सुंदर गठन बताया। नहीं नहीं, जिहाद माने ये कि अपने अंदर की गंदगी को रोको। बहुत अच्छी बात। जो शैतान है, वसवसा पैदा करता है, उसको दूर करो। और ऐसे ही नहीं कि अपनी अपनी ज़िंदगी जी तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी करना है ना, दूसरों के लिए करने के लिए इसके लिए तो दूसरों के अंदर भी जो कमियां उसको बता करके उसको ख़त्म करना है, जिहाद है। बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेरी थिंकिंग थी, जो डर था, आपने काफ़ी हद तक किया। मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं इसे अपनी तरह से मॉडिफाई करते हैं, अपने सत्य के लिए, अपने चाहत के लिए उसे मॉडिफाई करके यूज़ किया जा रहा है, तरीके से पेश करते हैं। नहीं, असल में क्या होगा, इसको मैं एक चीज़ बताते चले जाऊँ कि जैसे हमारे खुलफा राशिदीन थे, वो सियासत से भी जुड़े थे, मज़हब से भी जुड़े थे, उन्होंने मज़हब और सियासत को अलग नहीं किया। लेकिन ये क्या हो गया ना कि फिर थोड़ा थोड़ा वक्त पर दूर चले गया, जो हमारे उलमा हैं, आलिम हैं, हाफिज़ मदरसे से जो फारिग वगैरह हुए हैं, तो उन लोगों को आवाम ने बांध दिया, तुम खाली इमामत कर सकते हो, तुम मदरसा पढ़ा सकते हो, तुमको सियासत से दुनिया से मतलब नहीं है। तो उन्होंने भी अपने आप को वहाँ बांध लिया, और समाज ने अपने, आवाम ने अपने आप को बांध लिया। इस दूरी ने जो है जिहाद का जो असल फ़लसफ़ा है, जो असल मकसद है, उसको ख़त्म कर दिया। आवाम ने इस्लामी तालीमात को नहीं हासिल किया,
और उसको ना देखते ही वो एक जिहाद को उन्होंने यही लिया कि मार काट की है, मकसद ही है, जिहाद है। अच्छा। और जो उलमा है जो सियासत से दूर होते चले गए आवाम की वजह से, उनकी बात में असर नहीं रह गया, वो जो बोलते हैं आवाम सुनती नहीं, समझती नहीं, भी इनकी क्या हैसियत है, 4 रकात 2 रकात नमाज पढ़ाते हैं और ये सियासत पे बोलते हैं, ये सियासत ये क्या जाने, और इस वजह से बातें जो जोर नहीं पकड़ती। सही बात है, मतलब कि जो एक्चुअल जो चीज़ें थी उसको निकाल के अपने पॉलिटिकल ढंग से उन्होंने यूज़ किया और अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने सत्ते के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने जहाँ भी है, और जो एक्चुअल ट्रू चीज़ें हैं उनकी वैल्यू चली गई। सही है।